फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की इंस्टाग्राम स्पेशल फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग कोई अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट करना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा मैं। और आप लोग को फोटो एडिट करने के लिए कुछ इस टाइप के एक पोज में फोटो क्लिक करवाना है फ्रेंड्स। और फोटो क्लिक करवाने के लिए मतलब आप लोग को ना कोई भी पोज में फोटो क्लिक करवाना है, जैसे भी आप लोग को पोज अच्छा लगता है। और उसके बाद में आप लोग को इस बैकग्राउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसे आप लोग को डाउनलोड करने के बाद में इसे कर लेना है यहाँ से शेयर अपने पिक्सार्ट ऐप में। और उसके बाद में आप लोग बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो फ्रेंड्स, पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले से मैंने बैकग्राउंड इरेज करके रख लिया हूँ। तो आप लोग को अगर नहीं बनता है तो आप लोग को ऊपर में आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ और इस पीएनजी को यहाँ पे लगा लेता हूँ अपनी मॉडल की। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने लगा लिया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डन, ठीक है। डन करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो डॉट आ रहे हैं, तो इन्हें हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं टूल्स में, टूल्स में आने के बाद यहाँ पे क्लोन में जाते हैं। बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे जूम कीजिएगा। उसके बाद ब्रश का साइज कुछ स्टेप से बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे हार्डनेस कम कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइड में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइड में ले आते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, मतलब यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। दो तीन स्टेप से ऐसे करने के बाद यहाँ डन कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद में आप लोग को एक पीएनजी मिल जाएगी, उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद लोग को इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्लेंडिंग मोड का यहाँ पे। और उसके बाद कुछ स्टेप से ऐसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद में आप बताता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग ऊपर के साइड में भी यहाँ पे मतलब कुछ भी टाइप करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विजय महाराज जी के 2 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं, और टेक्स्ट में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग 2 मिलियन लिख देते हैं, 2M लिख देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे हम लोग 2M लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप से लगा लेते हैं ऊपर के साइड में लगा के, ठीक है। कुछ ऐसा आप लोग को यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसकी ऑपेसिटी भी आप लोग कम कर सकते हो अगर आप लोग को करना है तो, पर यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन। आप लोग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इस टाइप से हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्मोक की पीएनजी भी ऐड कर सकते हो नीचे के साइड में, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे कहना कि मैं ऐड कर लेता हूँ स्मोक की पीएनजी को भी, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे सिंपली आप लोग कहना कि इसकी ऑपेसिटी भी कम कर सकते हो अगर आप लोग को काम करना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ डन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी यहाँ पे फोटो लग रही है। तो कुछ स्टेप से आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हैं मतलब कुछ ही स्टेप्स में हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। और उसके बाद में आप लोग को थोड़ा सा रीटच भी करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने ड्रॉ टूल में, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहना कि हम लोग छोटा सा कट लगा लेंगे अपनी फोटो में, जिसमें हमारी फोटो अच्छी सी क्वालिटी में सेव होगी। तो यहाँ पे छोटा सा कट लगा के यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ पे चले आएंगे अपनी लाइटरूम ऐप में, तो वहां पे रीटच करना है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, लाइटरूम ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप लोग को क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी फोटो ऐड हो रही है, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा रिटच करना है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है सबसे पहले लाइटिंग एडजस्टमेंट में, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लीजिएगा, ओके। और आप लोग कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाईलाइट्स को भी बढ़ा लूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा शैडोज़ को भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शैडोज़ को भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वाइट्स को बढ़ाते हैं, और डार्क्स को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है साइकॉन में, और उसके बाद यहाँ पे जाना है अपने मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद में आप लोग करना है ऑरेंज, अगर आप लोग कम करना है तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग का फेस व्हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से है तो हम लोग नहीं करते हैं। और आप लोग लुमिनस को भी बढ़ा सकते हो।
और उसके बाद आप लोग क्या है ना कि अपनी जो भी कपड़े सोएंगे ना, मतलब कपड़े होंगे ना आप लोगों के, तो भी आप लोग उनका जो सैचुरेशन है ना उनका कम कर लीजिएगा कुछ स्टेप से, ठीक है। जो भी आप लोग के कपड़े अपड़े होंगे, ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा सैचुरेशन सबका कम। और यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके उसके बाद आप लोग को क्या करना है आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे रेड का मैं सैचुरेशन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और डन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ साइकॉन में, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा लेता हूँ और क्लियरिटी को भी बढ़ा लूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग को डीएस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और उसके बाद विग्नेट इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लीजिएगा फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग करके। और उसके बाद यहाँ पे शार्पनेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और ऐसा करने के बाद में आप लोग और एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग करके, ठीक है। और आप लोग और एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे ही हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टेप से थी हमारी पिक्सआर्ट ऐप में, और हम लोगों ने यहाँ पे लाइट में अपने कुछ स्टेप से कर लिए, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फोटो लग रही है हमारी। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ और यहाँ पे हम लोग शेयर कर लेते हैं और अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स यही तक था हमारे वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।